हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर देखा था आपका, जिसमें हमने एल्गोरिथम देखा आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी देखी। तो फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आज आपका नया चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग विद पाइथन। पाइथन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका थ्योरी है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे वो आपका प्रॉपर प्रोग्रामिंग आपका चलेगा, कि आपका कैसे आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, कैसे आपके कीवर्ड आप बनाएंगे, वेरिएबल आपके क्या होंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, वो सब हम लोग क्या करेंगे कोडिंग के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन एक जनरल पर्पस डायनेमिक टाइप हाई लेवल कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड गार्बेज कलेक्शन एंड प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सिंपल हम लोग पाइथन को बोल सकते हैं। पाइथन एक क्या है, जनरल पर्पस आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डील करता है आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर गार्बेज कलेक्शन पे डील करेगा, और मेनली आपका सपोर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस को भी, आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोसेस को भी, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी ये क्या करता है आपका सपोर्ट करता है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथन जो है वो क्या है आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रसम। इसको जो डिजाइन किया है वो क्या है, ग्यूडो वैन रसम ने इन 1991 में ये क्या हुई आपकी डेवलप हुई है। पाइथन मेनली आपका यूज, पाइथन इज वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ऑफर सर्वल यूनिक फीचर्स एंड एडवांटेज कंपेयर टू लैंग्वेज लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस। मतलब ये मैक्सिमम जो फीचर आपके फॉलो करता है वो आपके जावा एंड सी प्लस प्लस के फीचर को लेके आपका डिजाइन किया है, बट ये आपका एक ईजी है। इसमें आपकी वास्ट लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, जिसमें आपके बहुत सारे कंट्रोल आपको प्री डिफाइंड मिलेंगे, आपको डायरेक्टली उनको क्या करना है इंप्लीमेंट करना है। सो पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज टू बिल्ड वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेट टास्क एंड एनालाइज डेटा। मेनली आपका क्या होता है, वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेट टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, डेटा एनालिसिस आपको करना है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आपने यूज करना है, तो उसके लिए जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपकी पाइथन है। सो पाइथन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम टू अवर कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। मतलब इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कंप्यूटर को एंड उसके थ्रू आपका एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करके देता है आपका कंप्यूटर। तो पाइथन इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं आप सर्वर साइट पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क आपको परफॉर्म करने हैं तो पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने तो वो भी आप क्या कर सकते हैं पाइथन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर या कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये क्या है आपकी एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट बाय एन इंटरप्रेटर। ये क्या है आपकी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन आपका कोड इसमें रन होता है, और लाइन बाय लाइन अगर एरर भी आती है आपके कोड में तो वो लाइन बाय लाइन आपका फाइंड आउट करता है पाइथन। सो पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव अ क्लियरिटी डिफाइंड सिंटेक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी आपका इसका सिंटेक्स है वो एक क्लियर डिफाइन होता है, इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, और सिंपल स्ट्रक्चर में आप इसको डिजाइन करते हैं। एंड पाइथन जो है आपकी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दैट मीन्स अगर आपने कहीं पर कैपिटल लेटर लिखा है तो उसको आप जब प्रिंट करेंगे या कुछ डिफाइन करेंगे तो आपको कैपिटल में ही एक्सेस करना है, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में ही आप उसको एक्सेस करेंगे, तो ये केस सेंसिटिव भी आपकी होती है पाइथन लैंग्वेज। एंड पाइथन इज अ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये क्या है, पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी इजिली आप मूव करा सकते हैं प्रोग्राम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करेगा, ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजिली आपका वर्क कर सकता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पाइथन, पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। एक रिच लाइब्रेरी आपको मिलती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिलते हैं, उन फंक्शन को डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। वेब डेवलपमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है आपने उसके लिए भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन ब्लॉक फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक। अगर आपको कोई ब्लॉक स्टेटमेंट लिखना है या नेस्टेड ब्लॉक स्टेटमेंट लिखना है तो इसमें इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन का मीनिंग है स्पेस आप देंगे, देन आप जैसे आपने मान लीजिए यहां पर स्टेटमेंट लिखा इफ, यहां पर लिखा ए इज ग्रेटर देन बी,
तो इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेस आएगा इंडेंटेशन, देन यहाँ पर आप स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं, जैसे आपके सी सी प्लस प्लस जावा में कर्ली ब्रेसेस आप यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पर इंडेंटेशन का आपका वर्क होता है। अब एडवांटेज ऑफ पाइथन की बात करते हैं, तो एडवांटेज क्या है, इजी टू लर्न, रीड एंड अंडरस्टूड, इजीली आप लर्न कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं पाइथन को, वर्सेटाइल एंड ओपन सोर्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन सोर्स है एंड वर्सेटाइल है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाती हैं, सपोर्ट लाइब्रेरी, डिफरेंट लाइब्रेरी आपके पास होती हैं, स्ट्रांग कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी भी क्या है इसकी स्ट्रांग है, एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर का मीनिंग है लाइन बाय लाइन आपका कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये बेटर है आपका एग्जीक्यूशन के लिए। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन इन डिजाइन, डिजाइन में आपका रिस्ट्रिक्शन ये देता है, मेमोरी इनएफिशिएंट मेमोरी ये यूज करता है, वीक मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग में अगर आप यूज करें तो वहां पर वीक है ये, रन टाइम एरर आपकी आ सकती है, इनमें स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड, जो स्पीड भी होती है आपके पाइथन की वो भी क्या है, स्लो है, तो ये इसका क्या है आपके डिसएडवांटेज है। तो ये आपका था पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन जो है डेवलप हुई थी आपकी 1991 में, ग्यूडो वैन रसम ने इसको डेवलप किया है आपका, और मेनली ये क्या है आपकी जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डील करता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी, प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी, और फंक्शन ओरिएंटेड को भी ये आपका सपोर्ट करता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, थैंक यू स्टूडेंट।